नमस्कार, मैं हूं पंकज नेथानी और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको भावुक कर देंगी। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव की। ये तस्वीरें हैं उस गौरा देवी के स्मारक की जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी। ये तस्वीरें उसी गौरा देवी के स्मारक की हैं जिन गौरा देवी के नाम पर राज्य का पर्यावरण भवन है। लेकिन वक्त की विडंबना देखिए, आज उन्हीं गौरा देवी का स्मारक विकास की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल 14 जून को भारी बारिश के बाद जोशीमठ मलारी हाईवे का 40 मीटर का हिस्सा टूट गया था। ये मार्ग सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और रैणी गांव के आसपास से होकर गुजरता है। बीआरओ को जब ये जिम्मा मिला कि इस हाईवे को बनाया जाए तो बीआरओ की टीम रैणी गांव भी पहुंची और वहां पर जेसीबी से खुदाई शुरू करने लगी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असली विरोध तब शुरू हुआ जब जेसीबी गौरा देवी के स्मारक की ओर बढ़ा। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। स्थानीय विधायक, प्रशासन और बीआरओ की समझाइश के बाद ग्रामीण समझ गए और उन्हें यह आश्वासन मिला कि गौरा देवी के स्मारक को गांव की ही किसी सुरक्षित जमीन पर बनाया जाएगा। लेकिन सबसे भावुक करने वाला दृश्य वो रहा जब गौरा देवी की मूर्ति को वहां से उठाया जाने लगा। पर्यावरण संरक्षण की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर रही गौरा देवी की स्मारक को इस तरह उठाते हुए ग्रामीण भावुक हो उठे। गाँव की बुजुर्ग महिलाओं की आँखें इस वक्त छलक उठी और उनके हृदय में ये पीड़ा कहीं ना कहीं कोस रही थी कि विकास के नाम पर आखिर हमारी स्मृतियों की बलि बार बार क्यों ली जा रही है। हमें उम्मीद है कि ऐसे भावुक करने वाले दृश्य आगे न देखने पड़े और विकास के नाम पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जरूर कदम बढ़ाएं। आगे भी हम आपको ऐसे वीडियोस और कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। नमस्कार।